नहीं दोस्तों, मैं विषम शर्मा फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में और द फैमिली हेल्पर यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम जो आपको विजिट कराने वाले हैं वो कराने वाले हैं वृंदावन। अब हम जो आपको विजिट कराएंगे वृंदावन, मथुरा वाला वृंदावन नहीं, नोएडा एक्सटेंशन के अंदर भी एक वृंदावन गार्डन है, तो वही आज हम आपको विजिट कराएंगे जिसकी हमने काफ़ी 2 से 3 साल पहले वीडियो बनाई थी। तो आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर आपको किस प्राइस में क्या चीज़ मिलेगी और वृंदावन के अंदर कितनी बसावट हो चुकी है। तो चलते हैं आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको वृंदावन की कनेक्टिविटी क्लियर कर देता हूँ। वृंदावन गार्डन जो पड़ता है आपका नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 16B एक मूर्ति चौक के पास पड़ता है, और एक मूर्ति चौक से जो वृंदावन गार्डन की दूरी रहने वाली है वो मात्र आपकी 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी रहने वाली है। अगर मैं मिनट में बात करूँ तो 2 से 3 मिनट लगते हैं आपको एक मूर्ति चौक से वृंदावन गार्डन जाने में। और इसी बीच का जो आपका सफ़र रहने वाला है ना, वो सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है, क्योंकि आपको उस 2 मिनट के सफ़र में शॉपिंग सेंटर, एजुकेशन के लिए इंटरनेशनल स्कूल और इसके साथ में खेलने के लिए बच्चों के लिए पार्क, ये सारी सुविधा आपको इसी 2 मिनट के सफर में मिल जाती है। और इसके अलावा वृंदावन गार्डन के साथ में ही आपको लग जाता है गाजियाबाद। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी जो खड़ा हूँ इंडिया के सबसे चौड़े हाईवे NH24 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे खड़ा हूँ। यहाँ से भी जो उसकी दूरी रहने वाली है वृंदावन गार्डन की, वो मात्र आपकी 5 से 7 मिनट की दूरी रहने वाली है। तो आपको गाजियाबाद का भी भरपूर मज़ा मिलने वाला है इस लोकेशन से। और इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की, तो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन हमारा जो वृंदावन गार्डन से पड़ता है वो मात्र आपका 15 मिनट की दूरी पर पड़ता है। तो चलते हैं, पहले आपको वृंदावन विजिट कराते हैं, इसके बाद आपको और भी इसके बारे में जानकारी हम देंगे। तो फाइनली मैं वृंदावन गार्डन आ चुका हूँ, और वृंदावन गार्डन में आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो यहाँ पर ना पूरी फैमिलियाँ देख रहे हैं आप, ऑलरेडी फैमिली यहाँ पर शिफ्टेड है, यहाँ पर 1000+ फैमिलियाँ रहती हैं। और जो वृंदावन गार्डन है ना, ये आपका 40 एकड़ के अंदर बना हुआ है और ये बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर जो आपको साइज़ आपको मिल जाते हैं, मिनिमम साइज़ यहाँ पर स्टार्ट होता है तो 60 गज से स्टार्ट होता है, इसमें आपको 70 गज, 90 गज और 100 गज, इसके ऊपर भी अगर आप साइज़ चाहते हैं अपने हिसाब से लेआउट दे के वो बनवाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर हम बात करें प्लॉट की, तो प्लॉट आप देखें यहाँ पर आपको इस एरिया में प्लॉट भी आपको मिल जाएंगे, और प्लॉट भी जो आपको साइज़ आता है, प्लॉट का साइज़ भी यहाँ पर आपको जो मिनिमम मिलेगा वो 60 गज से स्टार्ट होता है, 60, 70, 80, 90, 100, और इसके ऊपर आप कितना भी साइज़ का आप ले सकते हैं। और वृंदावन गार्डन के अंदर मैं बात करता हूँ फैसिलिटी की, तो देखिए डेली नीड का जो सामान होता है वो आपको वृंदावन गार्डन के अंदर ही आपको मिल जाएगा। मेन रोड के सारा आपको कमर्शियल देखने को मिलेगा, आपको सारी चीज़ें जो भी डेली यूज में आती हैं वो सारी चीज़ें आपको वृंदावन गार्डन में आपको मिल जाती हैं। बाकी नियर बाई तो चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से आपका एक मूर्ति मात्र 2 से 3 मिनट की दूरी पर है, यहाँ पर आपको 14+ मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये सारी सुविधा आपको मिल जाती है। ये एक बसाव पूरा एरिया है, और जैसे मैंने आपको बताया था सेक्टर 16B नोएडा एक्सटेंशन में ये लोकेशन आती है आपकी, और इसकी ऑलरेडी हम पहले वीडियो बना चुके हैं, इसमें और आज में प्राइस का बहुत डिफरेंस यहाँ पर आ चुका है। देखिए आज की डेट में अगर मैं यहाँ पर प्राइस की बात करता हूँ, अगर आप प्लॉट लेते हैं तो यहाँ पर मिनिमम जो प्लॉट का प्राइस स्टार्ट होता है वो 60,000 रुपये गज से स्टार्ट होता है, और अगर आप बना हुआ लेते हैं तो यहाँ पर जो प्राइस स्टार्ट होता है वो 75,000 रुपये गज से स्टार्ट होता है, उसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं जितने भी आप स्क्वायर यार्ड का आप लेने जा रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आप 100 गज का लेते हैं तो यहाँ पर आपको 75 लाख रुपये में 100 गज का आपको सिंगल स्टोरी हाउस मिलेगा, जैसा आप देख रहे हैं ना इस तरीके से ही आपको बने हुए यहाँ पर आप मिलने वाले हैं, और बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप बनवा सकते हैं, प्लस यहाँ पर आप 80% लोन ले सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी पे, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको रजिस्ट्री और म्यूटेशन ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई और जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, बाकी की जानकारी ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली एक ऐसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।